हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी 7 अमेजिंग इजी एंड ब्यूटीफुल खुले बालों के लिए हेयर स्टाइल, जो कि रक्षाबंधन स्पेशल है। आप रक्षाबंधन में ये सारे हेयर स्टाइल कर सकते हैं। आप बिगिनर्स हो तो भी ये सारे हेयर स्टाइल कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से बताने वाली हूँ, बहुत ही आसान है। तो बिगिनर्स को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग बना पाए। तो सबसे फर्स्ट हेयर स्टाइल में आपको इस तरीके से क्राउन एरिया से हेयर लेने हैं एंड उनको थोड़ा थोड़ा खींचते हुए पफ का लुक देना है और दो इस तरीके से बॉबी क्लिप से इसको सेट कर देना है। तो रक्षाबंधन आने वाला है तो मैंने सोचा हेयर स्टाइल शेयर की जाए, लेकिन इजी से आसान सा हेयर स्टाइल मैंने सोचा ताकि आप लोगों को आप लोग आसानी से बना पाओ ये सारे हेयर स्टाइल। और सिंपली ट्विस्ट पफ बनाने के बाद से इस तरीके से साइड मांग करके और ट्विस्टिंग करनी है बालों की। सारे हेयर स्टाइल बहुत ही आसान है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। सारे हेयर स्टाइल बहुत ही स्टाइलिश भी हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट ट्विस्टिंग किया है और टिक टेक क्लिप से सेट कर लिया। टिक टेक क्लिप या बॉबी क्लिप जिससे आपको इजी हुआ उस तरीके से आप कर लो। उसके बाद से मैंने दोबारा से यहाँ से साइड पार्टीशन से बालों को उठाया है और ट्विस्टिंग किया है। और ओकेजनली आप हेयर स्टाइल बना रहे हो तो इस तरीके से लेयर ज़रूर निकालें, इससे आपके फेस का लुक काफ़ी अच्छा दिखता है। तो इस तरीके से मैंने सेकेंड वाला लेयर लिया है और इसको भी अपने पफ के जो पफ का जो क्लिप लगाया था ना वहाँ पर ले जाके सेट कर देना है। और इस साइड भी आपको इसी तरीके से ट्विस्टिंग करनी है जैसे कि इस साइड हमने किया था। दूसरी साइड थोड़े थोड़े बाल लेके ट्विस्ट करना है और पफ के पास ले जाके सेट कर देना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल ऑलमोस्ट डन होने वाला है। फिर सेकेंड लेयर लेंगे और सेकेंड लेयर को भी इसी तरीके से ट्विस्ट करना है और बैक में ले जाके जो हमने पफ का क्लिप लगाया है वहीं पे ले जाके इसको भी सेट कर देना है। इस तरीके से। ओके, उसके बाद से आप चाहो तो बालों को खुला रख सकते हो। और ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से एक साइड सारे बालों को रख के एक रबड़ बैंड लगा दोगे। आप चाहो तो उस तरीके से खुला भी रख सकते हो अगर आपके बाल छोटे हैं तो। छोटे बालों पे ये रक्षाबंधन के बहुत ही आसान हेयर स्टाइल हैं, 7 हेयर स्टाइल। छोटे हैं तो भी आप इस तरीके से पोनी बना के छोड़ सकते हो और जो आपका रबड़ बैंड दिख रहा है उसको आप हाइड कर दो। इस तरीके से हेयर का छोटा सा सेक्शन लेके रबड़ बैंड के ऊपर लपेटना है और यू पिन से या बॉबी क्लिप से इस तरीके से आप रबड़ के अंदर इन करके और हेयर को हाइड कर दो। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया। ये इस तरीके से पोनी बना के फर्स्ट में आप ओपन रखो, सेकंड में आप पोनी बना लो। तो थर्ड हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, इस तरीके से थोड़े छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं बालों के। और ये वाला हेयर स्टाइल पहले भी बहुत सारे बताए हैं बट रक्षाबंधन के लिए बता रही हूँ और आसान हेयर स्टाइल है तो ये वाला मैंने फिर से बताया, लेकिन इसके साथ और भी कुछ मैं मिक्स करूँगी। तो अपने क्राउन एरिया तक इस तरीके से बना के ले जाना है और ध्यान दीजिएगा आपको एक लाइन में ही सारे हेयर को लेके जाना है और यहाँ पे बॉबी क्लिप से सेट कर देना है। ओके, उसके बाद से इस साइड से जो हमने मांग निकली हुई है पतली पतली सी लेयर्स लेनी है और ट्विस्ट करते जाना है। ओके, और ट्विस्ट करके आप उसी क्लिप के जो सेंटर में हमने क्लिप्स लगाए थे उसके पास ले जाके इस ट्विस्टिंग को इस तरीके से सेट करना है। फिर सेकेंड लेयर लेंगे इस तरीके से आगे का लेयर निकालते हुए ऐसे ट्विस्ट करते जाना है और बैक में ले जाके इसको भी सेट कर देंगे। फिर से थर्ड सेक्शन लेना है और उसी तरीके से ट्विस्ट करते जाना है और बैक में ले जाके सेट कर देना है। ओके, तो इसी तरीके से सेम दूसरी साइड भी हम लोग बना लेंगे और ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया। वाह, बहुत ही इजी और स्टाइलिश सा है, तो है ना, बहुत ही प्यारा सा स्टाइलिश सा हेयर स्टाइल। तो चलते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ। फोर्थ हेयर स्टाइल में यही वाला लेयर इसी तरीके से बना के आपको और फोर्थ हेयर स्टाइल में आपको यहाँ पे मैंने थर्ड दिखाया है क्योंकि फर्स्ट में ही मैंने दो बता दिए थे। तो चलिए थर्ड हेयर स्टाइल ही मान लेते हैं इसको। और इस तरीके से क्राउन एरिया से हेयर को लेना है और इसमें हल्का सा पफ क्रिएट करेंगे हम लोग। क्राउन एरिया से यहाँ पे मैंने हेयर ले लिए हैं
इस तरीके से हेयर ले लिए हैं, इसको हल्का सा ट्विस्ट करेंगे सिर्फ एक बार और आगे की तरफ फूल करके इस तरीके से पफ बना लेंगे। तो मेरा ये ऑल टाइम फेवरेट है, मेरे चेहरे पे काफ़ी सूट करता है इसलिए मैं मुझे ये अच्छा लगता है ये वाला हेयर स्टाइल। और इस तरीके से सिंपली आपको साइड पार्टीशन लेके बालों को, बालों का छोटा सा सेक्शन ले जाके पफ के साइड में बॉबी क्लिप से सेट कर देंगे। कितना प्यारा लग रहा है, इधर से भी थोड़े से हेयर लेने हैं। ये वाला काफ़ी स्टाइलिश भी लगता है और देखने में भी काफ़ी अच्छा दिखता है ये हेयर स्टाइल। आप चाहो तो लेयर्स इस तरीके से निकाल सकते हो। उसके बाद से सारे हेयर को एक साइड ले लेंगे और ये देखिए कितना प्यारा सा हेयर स्टाइल हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं चौथे हेयर स्टाइल की तरफ। तो चौथे हेयर स्टाइल में हमारा सेम ये वाला हेयर स्टाइल रहेगा और बस यहाँ से आपको छोटा सा सेक्शन लेना है और फ्रेंच ब्राइड बनाते जाना है। 3 सेक्शन लेंगे और थोड़े थोड़े से हेयर दोनों साइड से लेके ऐड करते जाना है इसमें इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से थोड़े थोड़े सेक्शन लेके बालों को और ब्रेड बनाती जानी है। तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये भी हेयर स्टाइल। ये सारे हेयर स्टाइल गर्ल्स के काफ़ी अच्छा लगने वाला है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस तरीके से थोड़े थोड़े सेक्शन लेके दोनों साइड से बालों को ब्रेड बनाती जाएंगी। और बाकी बच्चे हेयर्स को पूरा ब्राइड बना लेंगे सिंपल सिंपल ब्रेड। उसके बाद से जब ब्रेड बन जाए उसके बाद से थोड़ा थोड़ा हेयर को खींच के वॉल्यूम खींच लेना इस तरीके से ताकि बालों में वॉल्यूम दिखे जो हमने ब्रेड बनाई है उसमें। ओके, अब इसको पीछे ले जाके जो हमने क्लिप लगाया था पफ बनाया था उसके पास ही सेट कर देना है। और ये हमारा हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो गया है। तो ये हमारा पांचवा हेयर स्टाइल। पांचवा हेयर स्टाइल में आपको सिंपली यहाँ से हेयर लेने हैं और छोटे छोटे सेक्शन लेके बालों का खजूरी चोटी बना लेनी है। ओके, यहाँ से छोटा छोटा सेक्शन लेके इस तरीके से चोटी बनाते जानी है। बहुत पतले बाल हैं तो भी ये हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा दिखेगा आपको। देखिए मेरे बाल भी काफ़ी पतले हैं, बस बालों का टेक्सचर ही ऐसा है कि बहुत घने दिखते हैं बाल मेरे। और कटिंग भी ऐसी हुई है कि नीचे से मेरे बाल काफ़ी पतले दिखते हैं। और इस तरीके से खींच लेना ताकि चोटी में आपके वॉल्यूम दिखे। और ये मोटे वाले रबड़ को हाइड करना यहाँ पर दिक्कत होगा, तो मोटा वाला रबड़ हम लोग निकाल देंगे। ओके, और पतला वाला रबड़ लेके यहाँ पर इस तरीके से पहले छोटा सा सेक्शन ले लेंगे बालों का, बालों को खींचते हुए। और उसके बाद से एक रबड़ लगा देंगे यहाँ पे। ओके, अब इसको फिर से अच्छे से हाइड कर देंगे रबड़ को। और ये हमारा छठा हेयर स्टाइल भी कंप्लीट हो गया है। तो चलते हैं छठे हेयर स्टाइल की तरफ। सॉरी, पांचवा हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो गया, छठे हेयर स्टाइल की तरफ चलते हैं। पफ हमारा सेम रहेगा, उसके वैसे छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं यहाँ से बालों के और उसके क्लिप लगाते जाना है ट्विस्ट करके। ओके, तो इस तरीके से 3 लेयर्स लिए हैं और 3 ट्विस्टिंग करके यहाँ पे 3 ट्विस्टिंग किए हैं और बैक में ले जाके रबड़ बैंड के पास आपको, सॉरी रबड़ बैंड के पास नहीं, क्लिप के पास ले जाके यहाँ पे अटैच कर लेना है। फिर इस साइड के बालों को भी सिंपली ट्विस्ट करना है छोटे छोटे सेक्शन लेके बालों के। ओके, इतने भी बना रहे हो, किसी पार्टी का लुक है, शादी में आपको बनाना है या फिर जैसे कुछ त्यौहार है, तो आप इस तरीके से लेयर्स ज़रूर निकालें अपने बालों का, उससे लुक काफ़ी अच्छा आता है। अब इसको भी पीछे पफ के पास ले जाके क्लिप से सेट कर देंगे। उसके बाद से शादी वालों को सिंपली एक साइड लेके और एक रबड़ लगा देंगे। ओके,
रबर लगा के आपको सिंपली सारे बालों को सिंपल चोटी बना लेनी है। चोटी बना के इसको साइड बन हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। ओकेजनली आपको साइड बन भी काफ़ी अच्छा दिखता है। यहाँ पे यू पिन से इसको सेट कर देंगे। अभी हमारा सातवां हेयर स्टाइल भी कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो आई होप कि आपको सारे हेयर स्टाइल पसंद आए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और भी इस तरीके की इंटरेस्टिंग